राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है संजीता गुजरी व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली, आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली, पीयू की तरफ से भी हैप्पी दिवाली। आप सभी का घर दीपों से जगमगाता रहे और आप सभी के घर में ढेर सारी खुशियां आए। तो फ्रेंड्स, मैं आज का व्लॉग शाम से शुरू कर रही हूँ और हमारे यहाँ पे सुबह जेगड़ पूजती है, मतलब 7 बर्तन पूजते हैं, मिट्टी के होते हैं वो छोटे। पहले तो बड़े बड़े मटके टोकनी पतीले होते थे, लेकिन अब 2 मटके रखे जाते हैं छोटे छोटे, और उनमें कुलिया वगैरह भी मिक्स कर दी जाती है। तो उनको मिक्स करके पूरे 7 बर्तन हमारे यहाँ पे रखे जाते हैं। और सुबह बनाया था मलीदा और खीर, तो हमारे यहाँ पे बड़ी दिवाली पे मलीदा और खीर बनता है। और अब शाम को मैं सोच रही हूँ आलू गोभी की सब्जी और पूरी बनाऊं और साथ में थोड़ा सा रायता बना लूंगी। और पीहू आज क्या करेगी? हम आज पटाखे जलाएंगे और आप भी एंजॉय करिएगा हमारे साथ। और भवी गई हुई है नीचे, वो थोड़ी सी माजी की हेल्प करवा रही है। और हमारे यहाँ पे दिए पूजते हैं, मतलब दिए पहले पूजेंगे, फिर सभी के घरों में वो बांटे जाएंगे और सभी के घर से हमारे यहाँ पे भी आएंगे। तो करिए आप भी हमारे साथ एंजॉय। तो अब ये शाम की पूजा हो रही है, क्योंकि सुबह भी जोत चलती है और शाम को भी जोत चलती है। और खीर मलीदा ये ऊपर रखे हुए हैं, अगले दिन इनको हम गाय को खिला देंगे और ये अगले दिन ही गोवर्धन वाले दिन ही छिड़ाए जाएंगे। तब तक ये ऐसे ही रखे रहेंगे। और यहाँ पे जो दिए पूजेंगे उन्हीं की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे आटे से काढ़ा जा रहा है दियों के लिए, और यहाँ पे इसको करने के बाद हम दिए रखेंगे। यहाँ ये दिए आ गए हैं, इनको हमने पहले पानी में डाल दिया था। 21 दिए होते हैं ये, तो ये ही सभी जलेंगे और सबसे पहले तुलसी में रखे जाएंगे और फिर सभी के घरों में ये बांटे जाएंगे। तो वही सब हो रहा है यहाँ पे। और हमारे यहाँ बड़ी दिवाली पे खील बतासे का प्रसाद बांटा जाता है। तो यहाँ पे मेरी चाची सास है, ये दिए लेके आ गई है। यहाँ हमारी भी तैयारी चल रही है, तो चाची सास पीस कर रही है मम्मी को दिवाली। यहाँ भाभी बीहू हेल्प करा रही है माँ जी की। तो यहाँ सब आई रही है दिया देने के लिए, तो वो भी सब हो रहा है यहाँ पे। और हमारी अभी तैयारी चल ही रही है, क्योंकि हम थोड़े से लेट हो गए थे। यहाँ पे फिर मैं भी आ गई हूँ हेल्प कराने के लिए।
हैप्पी दिवाली। तो ये सब दिवाली के दिए बांटने जा रहे हैं सभी के घरों में, भाभी पीयू और माँ जी। तनु मम्मी हैप्पी दिवाली, सबको बोल दो हैप्पी दिवाली। अच्छी उड़ा रखी तनु, बोल दे सबको हैप्पी दिवाली। तो ये मेरे घर की डेकोरेशन है, मैंने इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे मैंने माता जी के चरण लगाए हैं शुरुआत में, और ये मेरी रंगोली है। बताना प्लीज कमेंट करके कैसी लगी आपको मेरी रंगोली। और ये माता जी के चरण मंदिर तक मैंने लगाए हुए हैं, और ये पहले की रंगोली थी, पहले की चिपकी हुई है। और ये मेरा मंदिर है जो मैंने डेकोरेट किया है लड़ी से। बताना प्लीज कैसा लगा आपको मेरा ये मंदिर, कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। तो यहाँ पे हम सब आरती कर रहे हैं लक्ष्मी और गणेश जी की। यहाँ पे वो परेशान कर रही है हमको, कभी घंटी ले रही है, कभी इधर कभी उधर जा रही है, वो थोड़ी नटखट सी है वो। और यहाँ पे मेरा देवर ये आरती पढ़ रहा है, और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे मैं पूरियाँ बेल रही हूँ, क्योंकि अकेली थी, बहन गई हुई थी मम्मी के पास। तो यहाँ पे मैं सारी पूरियाँ बेल लूँगी, मुझे आसान हो जाएगी, तो मैं सारी बेल के फिर तल लूँगी, तो इससे मुझे ही आसानी होगी। तो यहाँ तो मेरी यहाँ पूरी तली जा रही है, और सब्जी मैंने आलू गोभी की बनाई है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अभी ये काम किचन का, फिर करूंगी आपसे बातें। Thank you.
हैप्पी दिवाली। आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये दिवाली, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और आपने अपनी दिवाली कैसे बनाई वो भी मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। मुझे आपके कमेंट पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरी दिवाली तो बहुत अच्छे से बनी, उम्मीद करती हूँ आप सभी की भी बहुत अच्छे से बनी होगी। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी के घर में दीप ऐसे जगमगाते रहें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेके आऊँगी कुछ अच्छी अच्छी नई नई दिलचस्प में वीडियो। इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय।